श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी के सुमधुर भजनों को देखने के लिए कृपया गोविंद की गली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे राधे। जोगिया कब्रे मिलोगे आए, जोगिया कब्रे मिलोगे आए, जोगिया कब्रे मिलोगे आए, जोगिया कब्रे मिलोगे आए, जोगिया कब्रे मिलोगे, जोगिया कब्रे मिलोगे आ। तेरे कारण जोग लियो है, 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 घर घर अलख जगा बोलो ना श्याम सुंदर चुप क्यों हो, कब्रे मिलोगे कब्रे मिलोगे, कब्रे मिलोगे कब्रे मिलोगे, जोगिया कब्रे मिलोगे, जोगिया कब्रे मिलोगे, जोगिया कब्रे मिलोगे, जोगिया कब्रे मिलो, कब्रे मिलोगे कब्रे मिलोगे, कब्रे मिलोगे कब्रे मिलोगे, ओ कब्रे मिलोगे कब्रे मिलोगे, जोगिया कब्रे मिलोगे आए, पलक पलक नहीं लगत पलक ये, वाह, खोज रही कोई प्यारी झलक ये, एक सखी बाजार में आकर जोर जोर से कहती है, ले लो रील ले लो, कोई निंदिया ले लो। लोग बाग बड़े हैरत अंगेज, ये निंदिया क्या चीज होती है, क्या बेचना है इसे, ना तो कोई दुकान है ना कोई गट्ठर है, ये बेचना क्या चाहती है। क्यों उन्हें भ्रम हो रहा था, नींद कोई बेचने की चीज थोड़ी, जिस नींद के लिए इतना अथक प्रयास किया जाता है, गोलियां ली जाती है, इंजेक्शन, ना जाने क्या क्या साधनाएं की जाती है,
वो ये बेचने जा रही है, ना ना इसका आशय शायद कुछ और हो। वो कहती है, अरे तुझे बेचना क्या है ये तो बता। वो कहती है, मुझे नींद ही बेचनी है। लोग बाग उसे पागल समझते हैं, दूर जाने लगते हैं, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, कोई भी नहीं आता। लोग बाग उसका उपहास उड़ाते हैं कि ये बावली हो गई है, पागल हो गई है। शाम को गांव में किसी सखी, दूसरी सखी सुन लेती है कि आज बाजार में नींद बिकने को आई है। वो बेतहाशा दौड़ पड़ती है, भाग कर आती है और उसके पांव गिर जाती है। पहली सखी से कहती है, अरे सखी चाहे तुम उससे कुछ भी मूल्य ले ले, लेकिन ये नींद मुझे दे दे। बात बड़ी हैरानी की सी लगती है उसे, पहली सखी को, लेकिन उसे तो अपना काम पूरा करना था। नींद बेच देती है, सौदा हो गया। दोनों हैरत अंगेज में है। पहली सखी ये जानना चाहती है कि ये नींद खरीदना क्यों चाहती है। दूसरी सखी भी बड़ी अचंभित है कि ये नींद बेचना क्यों चाह रही है। पहली सखी पूछ ही देती है, दूसरी सखी पहली से पूछती है, अरे सखी नेक मोए ये तो बता, तू ये नींद बेचना क्यों चाहे। तो पहली सखी कहती है, गोविंद हे गोविंद, अरे सखी मैं दिन से शाम तक, सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ। प्रीतम से मैं प्रार्थना करती रहती हूँ, प्यारे कब आओगे, कब मिलोगे मुझसे। एक दिन वे करुणा करके कहते हैं, अच्छा मैं रात को आऊंगा। सखी उस दिन से मैं अपनी नींद को त्याग कर जाग कर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। कल क्या हुआ, कई दिनों की जागृति थी इसलिए कुछ समय के लिए नींद आ गई, और बाद में मुझे पता चला कि श्याम सुंदर आए थे और आकर चले गए। तब से मुझे इस नींद पर इतना गुस्सा आ रहा है कि जो अब तक नहीं आई थी। इस नींद की वजह से ही मैंने घर आए हुए प्रीतम, मैं उन्हें पा ना सकी, इसलिए मैं इसे बेचना चाहती हूं। पलक पलक नहीं लगत पलक ये, खोज रही कोई प्यारी झलक ये, खोज रही कोई प्यारी झलक ये, आवत नींद कहे हट छुप रहे, आवत नींद कहे हट चुप रहे, जा बेरंग कहीं और ही छुप रहे। अरे क्यों आई तू मेरे पास, तुझे पता नहीं मुझे पिया मिलन का अंदेशा है। तू आकर मेरी आशाओं पर कुठारा घात करना चाहती है। आवत नींद कहे हट चुप रहे, जा बेरन कहीं और ही छुप रहे, जा बेरन कहीं और ही छुप रहे। अरे सखी मेरी प्यार भरी माला ठुकरा दी, वाह प्यार भरी माला ठुकरा दी, इसलिए निंदियारी तो हे भेजूंगी, निंदियारी तो हे भेजूंगी। जोगिया कबरे मिलोगे आए, कबरे मिलोगे आए, जोगिया कबरे मिलोगे आए, जोगिया कबरे मिलोगे आए।
हरिया लख जगाए रे जोगिया कब्र मिलोगे जोगिया कब्र मिलोगे जोगिया कब्र मिलोगे प्यारे कब्र मिलोगे कब्र मिलो कब्र मिलोगे कब्र मिलो बोलो ना कब्र मिलोगे कब्र मिलोगे कब्र मिलोगे कब्र कह रही ना क्यों बेचना चाह रही कितनी मिन्नत है और तरले कर 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 पिया ने हामी भर दे और ये कैसी निगोड़ी है कैसी निष्ठुर है मुझे अपने पिया मिलन से इसने वंचित कर दिया। वो निखरा यौवन हंसते नैना वो निखरा यावन हंसते नैना निरख कौर दिल खसते नैना वो प्यार भरी चितवन मेरे दिल को बेचती जाती थी सखी। वो निखरा यावन हंसते नैना निरख कर दिल खस्ते नैना वो अरुणिम अधर नील सुंदर के वो प्रेम डोर से बंधते नैना वो अरुणिम अधर नील सुंदर के वो प्रेम डोर से बंधते नैना एरी प्यार भरी माला ठुकरा दी मेरी प्यार भरी माला ठुकरा दी एरी निमियारी को है बेच यारी तो हे बेचूंगी। अरे क्या बताऊं कैसी निष्ठुर है ये कैसी सौतर है ये कितना सौतिया डाह ईर्ष्या भरी हुई है इसमें मुझे पिया मिलन से वंचित कर दिया। सुख के सब सामान खो दिए वाह प्यारे इसने सुख के सब सामान खो दिए दई मारी अरमान खो दिए कौन जन्म की बैरन निकसी मेरे घर आए भगवान खो दिए कौन जन्म की बैरन निकसी घर आए भगवान खो दिए घर आए भगवान खो दिए। अरे दई मारी तो हे लाज न आवे दई मारी तो हे लाज न आवे निंदियारी तो हे बेचूंगी निंदियारी तो हे बेचूंगी। अरे सखी और कहां बताऊं मैं तो रोज रात्रि को दीपक जलाकर मैं प्रीतम की प्रतीक्षा करत रहती थी वाह दीपक जलाकर कहीं उन्हें किसी भी प्रकार का अंधकार न महसूस हो
मेरा दीपक रह गया जला जलाया। अरे पूजा थाल सब सजा सजाया, दीपक रह गया जला जलाया। दी पूजा थाल सब सजा सजाया। कितने अरमान थे मेरे दिल में, वे आएंगे तो मैं यूं कहूंगी, यूं करूंगी, ऐसे बतियाऊंगी, ऐसे नृत्य करूंगी, लेकिन ये कैसी सौतन है, कैसी बहरन है। मेरा दीपक रह गया जला जलाया, पूजा थाल सब सजा सजाया। यूं नाचूंगी यूं गाऊंगी, रह गया रे दिल भरा भरा। यूं नाचूंगी यूं गाऊंगी, रह गया रे दिल भरा भराया। निकस बाहर अखियन से सौतन, अरे कैसी निगोड़ी है ये, अभी भी निद्रा मेरे आंखों में आना चाहती है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना मेरा अनिष्ट करने के बाद भी ये बैरन मान ही नहीं रही। जाओ जा सौतन कहीं और ही छुप रहे, निंदियारी तो है बेचूंगी, निंदियारी तो है बेचूंगी। कितने अरमानों की मेरी इसने होली जला दी। सखी क्या अब भी मैं इसे अपने पास रखूं, तू ही बता अब क्या ये मेरे पास रहने योग्य है। क्यों कितने अरमानों का खून कर दिया इसने। एक मन करे मेरे आवे जो गोपाल प्यारो, कैसे कैसे अरमान थे। एक मन करे मेरे आवे जो गोपाल प्यारो, तोपे वच्छ भी ले जू को माखन खवाऊंगी, तोपे वच्छ भी ले जू को माखन खवाऊंगी। एक मन करे मेरो आवे जो सलोनो श्याम, तो पेवा छवि ले जू को हृदय से लगाऊंगी। एक मन करे मेरो आवे जो सलोनो श्याम, तो पेवा छवि ले जू को हृदय से लगाऊंगी। एक मन करे मेरो ही रचाऊंगी, तोले निजी आंगन में रास ही रचाऊंगी। एक मन करे आवे बल्बी, मेरो एक मन करे सखी, एक मन करे आवे बल्बी, तो मैं चूम के कपोल बैन माधुरी सुनाऊंगी, तो मैं चूम के कपोल बैन माधुरी सुनाऊंगी। अरे सखी कितने अरमानों की इसने होली जला दी, क्या अब भी मैं इसे अपने पास रखूं, तू ही बता ये बेचने के योग्य ही है ना। हाँ सखी क्यों, जोगिया कबरे मिलोगे, जोगिया कब्रे मिलोगे, जोगिया कब्रे मिलोगे, जोगिया कब्रे मिलोगे, जोगिया कब्रे मिलोगे, कब्रे मिलोगे, कब्रे मिलोगे, कब्रे
कबरे मिलोगे, रोगिया कबरे मिलोगे, रोगिया कबरे मिलोगे, रोगिया कबरे मिलोगे, रोगिया कबरे मिलोगे। पहली सखी की व्यथा सुनकर के सुबह से शाम तक परिवार के काम में व्यस्त और पिया का यह आश्वासन कि मैं किसी रात को जरूर मिलने आऊंगा, जिस रात आते हैं उसी रात नींद आ जाती है, पिया आकर चले जाते हैं, मिलन के सुख से वंचित ये सखी इसलिए नींद बेचना चाहती है। अब पहली सखी पूछती है, सखी मैंने तो अपनी आप बीती बताई, अब तू भी तो बता कि तू ये नींद खरीदना क्यों चाहती है, जो इतनी धस्त है, उद्दंड है, सौतिया डाह से परिपूरित है, उसे तू खरीदना क्यों चाहती है। दूसरी सखी कहती है, सखी जो तेरे लिए इतनी उद्दंड है, धस्त है, मेरे लिए वो वरदान है, क्यों मैं भी देख तेरी ही तेरे सुबह से शाम तक पारिवारिक कार्यों में व्यस्त, लेकिन देख जब भी मैं रात को सोती हूं ना तो मुझे सपने आते हैं और सपन के अंदर श्याम सुंदर आते हैं, इस सपन के अंदर ही मेरा उनसे संगम हो जाता है, लेकिन जब से श्याम सुंदर मथुरा चले गए, बाहर चले गए, ये कमबख्त नींद भी जैसे उनके साथ चली गई, मुझे नींद नहीं आती, मुझे स्वप्न नहीं आते, मेरा संगम नहीं हो पाता और मैं तड़पती रहती हूँ। आज तू ये नींद देखकर मुझ पर उपकार कर रही है, मेरे फिर से स्वप्न संगम का समय आ गया है, आहा मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ जो मुझे फिर से ये मौका मिल रहा है, क्यों अरीरी सखी विरहनी धन्य, सखी विरहनी धन्य, स्वपन में प्रीतम पावे, सखी विरहनी धन्य, स्वपन में प्रीतम पावे, प्रिय मुख चंद्र निहार, प्यार सो उन्हें रिझावे, प्रिय मुख चंद्र निहार, प्यार सो उन्हें रिझावे, हरी सखी गए श्याम प्रवास, संग गई निंदिया बैरन, संग गई निंदिया बैरन, पलक न लागे पलक मेरी, पलक न लागे पलक, और अगर ये पलकें लग जाए तो मेरी पलक न लागे पलक, लगे तो प्रीतम मिल जावे, लगे तो प्रीतम मिल जावे, क्यों सखी ऐसा तू सपने में क्या देखती थी जो तू निंदिया के पीछे इतनी बावली और उतावली हो रही है। सखी स्वपन ही में वो मधुबन, स्वपन ही में वो मधुकुंजों में, सखी कलियों का खिल जाना, मैं तुझे कैसे अपने स्वप्न का वर्णन सुनाऊं, स्वप्न ही में वो मधुकुंजों में कलियों का खिल जाना,
स्वप्न ही में वो बांसुरिया से मादकता बरसाना, स्वप्न ही में वो बांसुरिया से मादकता बरसाना, स्वप्न ही में वो शरद रैन में, स्वप्न ही में वो शरद रैन में रसमयी रास रचाना, वो रसमयी रास रचाना, रसमयी रास रचाना, स्वप्न ही में वो नैन बाण से सखी घायल कर छुप जाना। हरी सखी, अब तू ही बता, जो निंदिया तेरे लिए इतनी उद्दंड है, उपेक्षा वाली है, मैं इसे क्यों ना बुलाऊं, इसके लिए क्यों ना कामना करूं, क्यों जब से श्याम सुंदर गए मेरे स्वप्न संगम का सिलसिला ही टूट गया, क्यों नींद ही नहीं आती। सखी, जो नींद आती तो ख्वाब आता, जो ख्वाब आता तो वो आते, जो नींद आती तो ख्वाब आता, जो ख्वाब आता तो वो आते, लेकिन यहां तो उनकी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आया, यहां तो उनकी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आया। सखी, इसलिए मैं उनसे मिलने को तड़पती रहती हूँ और यही गुहार करती रहती हूँ, जोगिया कब रे मिलोगे, 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 तेरे कारण जोग लियो है, तेरे कारण उनसे मिलने का ये सपन ही तो एक सहारा था, उनके जाने से वो भी छूट गया, क्यों नींद भी खा बैठी उनकी जुदाई में न आने की कसम। सखी, उनकी जुदाई में नींद भी खा बैठी न आने की कसम, अरे क्या बताऊं, ख्वाब में मिलने का आसरा भी जाता रहा, ख्वाब में मिलने का आसरा भी जाता रहा। अच्छा सखी, पहली सखी पूछती है, तू भी इतनी बावली है रही है,
ऐसी कहा बात भाई तोते, जो तू इतनी बावली है रही है और आप नींद को पाकर इतनी हर्षित हो और प्रफुल्लित हो रही है। वो कहती है सखी, अरे सखी मैं क्या बताऊं, वो पहले पहल मेरे एक ख्वाब में तेरी सूरत की जलवा नुमाई हुई। सखी उसकी सूरत की जलवा नुमाई हुई, क्या हुआ उससे? वो कहते हैं पहले अदा आई और फिर जफा आई, पहले अदाएं दिखा दिखा कर मेरे दिल को लूट लिया उसने, मेरा चैन लूट लिया। पहले अदा आई और फिर जफा आई, जफा यानी अत्याचार होता है, अन्याय। मानो ये अदाएं दिखाकर मुझे तड़पाने और झुलसाने लगा मिलन के लिए। पहले अदा आई फिर जफा आई, फिर गरूर का हिसाब आया और हजारों आफतें लेकर कन्हैया का शबाब आया। हजारों आफतें लेकर, क्यों? अब दिल कहीं लगता ही नहीं, नजर कहीं टिकती ही नहीं, कुछ भी सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके बिना सखी चैन नहीं पड़ता। पहले अदा आई फिर जफा आई, फिर गरूर का हिसाब आया, हजारों आफतें लेकर कन्हैया का शबाब आया। पहली सखी पूछती, अच्छा सखी ये तो बता शबे गम किस तरह गुजरी। वह शबे गम यानी विरह की रात। अरे जब तू उसे इतना चाह रही है, उसके लिए इतना तड़प रही है, ये तो बता तेरी विरह की रात कटी कैसे। ये तो बता शबे गम किस तरह गुजरी। अरे सखी क्या बताऊं शबे गम किस तरह गुजरी। शबे गम इस तरह गुजरी, न वो आए न चैन आया, न मौत आई न ख्वाब आया। न वो आए, जब तक वो नहीं आते चैन नहीं मिलता, और वो आते थे नींद में। मैंने सोचा नींद तो नहीं आएगी, चलो मौत को ही बुला लूं, मौत भी क्या है, चिर निद्रा ही तो है। मैंने सोचा उसको बुलाने से शायद सपना आ जाए और मुझे पिया का मिलन प्राप्त हो जाए, लेकिन न वो आए न चैन आया, न मौत आई न ख्वाब आया, और मैं वही गुहार फिर से लगाती रही। जोगिया कब्र मिलोगे, जोगिया कब्र मिलोगे यार, जोगिया कब्र मिलोगे यार, जोगिया कब्र मिलोगे यार, जोगिया कब्र मिलोगे यार, जोगिया कब्र मिलोगे यार। तेरे कारण जोग लियो है, तेरे कारण जोग लियो है, तेरे कारण जोग लियो है, तेरे कारण जोग लियो है। घर घर अलख जगाएर जो कथा और व्यथा का मतलब क्या? ईश्वर का वास कहां नहीं है? हम जिस तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की बात करते हैं,
निद्रा क्या है, तमोगुण का प्रतीक ही है, लेकिन एक सखी उसी तमोगुण युक्त निद्रा में अपने प्रीतम की प्राप्ति कर लेती है। यानी ईश्वर का वास गुणों से अतीत है, ऊपर उठा हुआ है। वास किस में है? हमारी ही लालसा में, लौल्य जिसको कहा जाता है संस्कृत में, हमारी जो प्रबल उत्कंठा है, ईश्वर उसी के वशीभूत है। चाहे वो लालसा तमोगुण में हो, रजोगुण के द्वारा या सतोगुण के द्वारा संचालित हो, लेकिन वास उसका हमारी प्रबल उत्कट उत्कंठा में ही है। रोगिया कबरे मिलो गे रोगिया कबरे मिलो गे रोगिया कबरे मिलो गे रोगिया कबरे मिलो गे। इसलिए उससे मिलने के लिए किसी भी प्रकार की स्थिति की चिंता ना करें। ये विधि और निषेध, ये कर्म कांड, क्षमा करना कोई उससे उसका मतलब नहीं है किसी भी कर्म का। ये स्टार्टिंग बेस है। कोई विद्यार्थी यदि पहली में ही रहना चाहे वो उसके लिए ठीक नहीं, उसका विकास रुक जाएगा। उसके लिए दूसरी में जाना परम आवश्यक है। कोई कहे नहीं ये क्लासरूम बहुत अच्छा है, इसके बेंच, इसका फैन, इसकी टीचर, मेरे संगी साथी बहुत अच्छे, मैं पहली में ही रहूंगा, क्या उसे आप सफल विद्यार्थी मानेंगे? क्या उसका विकास संभव है? नहीं। इसलिए इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति हमारे दिल में प्रबल उत्कंठा हो जाए कि वो मेरा है तो मुझे अब तक मिला क्यों नहीं। जोगिया कबरे मिलोगे जोगिया कबरे मिलोगे जोगिया कबरे मिलोगे कब मिलोगे तेरे कारण जोग लियो है 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 घर घर अलख जगाए जोगिया कबर मिलोगे Govind, 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 Govind